सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। गाइस, मेरे पास कई भाई के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। गाइस, अगर आप भी ये वाली वीडियो बनाकर पोस्ट करते हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। और गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग के वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको उसमें जाकर गूगल से डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, ठीक है। और गाइस, अगर आप ये वाली एप्लीकेशन आईफोन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये ऐप स्टोर पर भी नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है तब मिलेगी आपको ये। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो मिल जाएंगी आईफोन के लिए, उसमें मैंने ये बताया है कि आईफोन में कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करें, और दूसरी वीडियो मैंने बताया कि आईफोन कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसमें एनिमेशन कैसे लाएं, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो बनाने की। जब आप इसको डाउनलोड कर लो, आपको इसे ओपन करना है, फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ से आपको एक वीडियो ले लेनी है अपनी, जिस वीडियो पर आप बनाना चाहते हो आपको एक वीडियो ले लेनी है शुरू में। उसके बाद गाइस, आपको फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपको अपने 13 फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। गाइस, आपकी एक वीडियो हो जाएगी और 13 फोटोज़ हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो गाइस, आपकी जो वीडियो में म्यूज़िक रहेगा आपको यहाँ से म्यूट कर देना है, ठीक है। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट वाला, फॉर्मेट पर क्लिक करके 9:16 वाले साइज़ पे क्लिक करके, आपकी अगर वीडियो छोटी है तो आपको वीडियो भी जूम कर लेनी है। वीडियो ठीक है आपकी तो आपको फ़ोटो को जूम करने से आपको इस तरीके स्क्रीन पे इस तरीके से फिट कर लें सारे फ़ोटो। ये अभी छोटे हैं, मैंने स्क्रीन पे फिट करके रील्स का साइज़ का बना देता हूँ पूरा। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं जूम करके सारे फ़ोटो स्क्रीन पर फिट कर चुका हूँ, और ये एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क का लोगो आता है, आपको इसे नीचे डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर आपको शुरू में आ जाना है और एक बार पैक करना है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ऑडियो, आपको इसमें ऑडियो लगाना है। ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, और गाइस यहाँ से आपको वो वीडियो ले लेनी है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे इम्पोर्ट साउंड पर, तो उसका ऑडियो यहाँ पर लग जाएगा। आप देख सकते हो ऑडियो लग चुका है। अब गाइस, बात करते हैं कि आपको फ़ोटो का और वीडियो का साइज़ कितना रखना है, क्योंकि तभी हमारे बीट के अकॉर्डिंग वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। अब गाइस, एक काम करता हूँ, मैंने एक वीडियो पहले से आधी बना रखी है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ मैंने फ़ोटो वीडियो के साइज़ कितने रखे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं इसमें बता चुका हूँ कि फ़ोटो वीडियो मैं इसमें कर चुका हूँ फ़ोटो वीडियो के साइज़ सेट। बस आपको मैं बता देता हूँ आपको कितने कितने फ़ोटो के साइज़ रखने हैं, वीडियो के साइज़ रखने हैं। गाइस, जो आपके फर्स्ट वाली वीडियो रहेगी ना, आपको उसका साइज़ रखना है। साइड में देखिए टाइम आ रहा है 5.9s। फोटो वीडियो के साइज़ कैसे करने हैं, कॉर्नर से आपको इस तरीके से आप ला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप खिसका के कर सकते हो छोटे बड़े। अब आपको फ़ोटो के साइज़ बताता हूँ मैं गाइस, आपको जो हमारी एक तो वीडियो हो गई, और सेकंड नंबर पे जो फ़ोटो आता है ना, उसका साइज़ रखना आपको 0.6s। थर्ड नंबर पे फ़ोटो का साइज़ रखना आपको 0.6s। फोर्थ फोटो का साइज़ 0.6s। फाइव फोटो का साइज़ 0.6s। सिक्स फोटो का साइज़ 0.6s। सेवन फोटो का साइज़ 0.6s। एट फोटो का साइज़ 0.6s। नाइन फोटो का साइज़ 0.6s। टेन फोटो का साइज़ 0.6s। इलेवन फोटो का साइज़ 0.6s। ट्वेल्व फोटो का साइज़ 0.6s। थर्टीन फोटो का साइज़ 0.6s। और जो लास्ट वाला आपका फ़ोटो रहेगा, आपको म्यूज़िक तक कर देना है। जैसे मैंने इसे म्यूज़िक तक करा तो 0.86 का बनाएगा, 0.8s का, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, अब गाइस आपको इसमें एनिमेशन लगाना है फ़ोटो में। एनिमेशन कैसे लगाओगे, अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो पर क्लिक करोगे आप,
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन, आपको एनिमेशन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन में ये लिखा आएगा नो इंटरनेट कनेक्शन। अभी इसका हल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस आपको इसकी फाइल कट कर देनी है, ठीक है। फिर गाइस आपको प्ले स्टोर से एक VPN डाउनलोड करना है। आप कोई भी VPN कर सकते हो, 5-6 MB का होता है करीब, कोई भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। वैसे जो मैं यूज़ करता हूँ सिक्योर VPN, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ इसे ओपन करना है, सिक्योर VPN को ओपन करके कनेक्ट करना है आपको इसको। मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे। और गाइस आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे गाइस, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और गाइस आपको तो पता है वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, बस आपको सिंपली इसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी फाइल कट नहीं करनी है, आपको बाहर आ जाना है। अब आपको कैपकट एप्लीकेशन की फ़ाइल दोबारा ओपन करनी है और उस प्रोजेक्ट में जाना है जिसमें हम अभी काम कर रहे थे। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ जिसमें हम अभी वीडियोस बना रहे थे। अब गाइस देखिए इसमें कोई भी इफेक्ट लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसमें इफेक्ट लगाने हैं। वीडियो के लिए और कुछ तरीके, थोड़ा जूम करना है और आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, नीचे एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हो ऑप्शन अब आ चुके हैं। आपको कॉम्बो पे क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है, ये वाला फ़िल्टर लगाना है डिस्टॉर्ट लेफ्ट नाम से। पेंडुलम 2 के अगला वो है, पेंडुलम 2 के बाद डिस्टॉर्ट लेफ्ट, फिर अगले फ़ोटो पे क्लिक करके डिस्टॉर्ट राइट, फिर अगले फ़ोटो पे क्लिक करके डिस्टॉर्ट लेफ्ट, फिर अगले फ़ोटो पे क्लिक करके डिस्टॉर्ट राइट। तो गाइस आप देख सकते हो मैं सारे फ़ोटो में इफेक्ट लगा चुका हूँ। मैंने जो इफेक्ट लगाए हैं वो लगाए मैंने एक फ़ोटो में डिस्टॉर्ट लेफ्ट, अगले फ़ोटो में डिस्टॉर्ट राइट। इस तरीके से मैंने एक के बाद दोनों इफेक्ट लगाए हैं। आप दूसरे इफेक्ट भी लगा सकते हो जो आपको अच्छे लगे, लेकिन मैंने जो वीडियो में लगे हुए थे उसमें उसके अकॉर्डिंग इसमें इफेक्ट लगाए हैं। अब गाइस मैं एक बार वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस देखा आपने कितनी प्यारी वीडियो लग रही है। और गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। और गाइस आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए फुल साइज़ में यहाँ पर आपको साइज़ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसका रिजोल्यूशन फुल कर देना है, फ्रेम रेट 30 कर देना है और यहाँ से आपको वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।